की ये जी शरण रहूं दिन रात। किस्सा गाऊं त्रिवेणी धाम का मेरे धरो मस्तक पर हाथ। ए जी मैं लियो आसरो थारो मेरी नाव पड़ी मझधार के वटे बण कर पार उतारो। परम पूज्य गुरुदेव वैष्णो कुलभूषण धर्म सम्राट अनंत विभूषित श्री खोजी द्वाराचार्य ब्रह्म पीठाधीश्वर काठिया परिवाराचार्य श्री श्री नारायण दास जी महाराज की अनुकंपा से त्रिवेणी धाम की गुरु परंपरा के कुछ अंश आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ओ श्री नारायण दास महाराज एक दिन कथा सुनावन लाग्या। श्री नारायण दास महाराज एक दिन कथा सुनावन लाग्या। अरे त्रिवेणी का किस्सा जिसकी महाराज एक दिन कथा सुनावन लाग्या। सत्य बाई यूट्यूब चैनल रामचंद्र यादव सुपरस्टार सिंगर रामचंद्र यादव म्यूजिक बाई जयश्री स्टूडियो जयपुर। बाबर हमारे देश पर आक्रमण करके सभी राजपूत राजाओं को हरा कर अपनी अधीन कर लिया और भारत की भोली भाली जनता को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बाध्य कर दिया। उसी समय भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा हुई, इस भारत भूमि पर हिंदू धर्म की लाज बचाने के लिए संत महात्माओं ने अवतार लिया। कहीं पर गोस्वामी तुलसीदास, कहीं पर रामानंदाचार्य जी, कहीं पर कबीर जी, तो कहीं पर खोजी जी और कहीं पर ब्रह्मदास जी बनकर और हिंदू धर्म के प्रचारक बने। उसी समय भारत देश के राजस्थान प्रांत में जयपुर से 60 किलोमीटर दूर पहाड़ियों की तलेठी में गुसाईवाड़ा यानी त्रिवेणी धाम आश्रम में संत महात्मा तपस्या करके इस पावन क्षेत्र को उज्जवल किया। तो सजनों क्या बताया, अरे ऋषि महात्मा तप कर गए इसे त्रिवेणी के आसपास।
गोसाई का था निवास। ओ था अटल विश्वास, प्रभु से प्रेम बढ़ावन लाग्या। श्री नारायण दास महाराज एक दिन कथा सुनावन लाग्या। श्री गोसाई जी महाराज तपस्या करते थे और ब्रह्माणी की सीढ़ियों के नीचे कवि रामदास जी महाराज तपस्या करते थे। तो सुनो, देखो आगे क्या होता है। अरे जन्म लिया फिर गंगा दास जी ग्राम अथोरा माई। जिसे सच्ची शिक्षा पाई। अरे सती ठारवी के माही गड नर सिंह नीव लगाई। छियालीस वर्ष त्रिवीण धाम जनता की करी भलाई। महाराज एक दिन कथा सुनावन लाग्या। विक्रम संवत 1771 में श्री गंगादास जी महाराज का जन्म राजपूत परिवार में अथोरा गांव में हुआ था। माता का नाम मगन कंवर व पिता का नाम मनोहर सिंह था। छोटी सी उम्र में श्री गंगादास जी अपनी परिवार कुटुंब को छोड़कर अयोध्या में चले जाते हैं और वहां पर काठिया परिवार सारे श्री भरतदास जी महाराज के शिष्य बन जाते हैं और उन्हीं से दीक्षा लेकर 12 साल बाद अपने जन्म भूमि अथोरा में आ गए और 18वीं सदी में गोसाईवाड़ा इस त्रिवेणी आश्रम में गढ़ नरसिंह की स्थापना की और वहीं पर तपस्या करने लगे और 46 वर्ष तक इस तपोभूमि को पवित्र करते रहे। और सजनों, एक रोज अपने भाई डूंगर सिंह के बदले अपने शिष्य जानकी दास जी महाराज पर जीते जी चादर ढालकर और अपने शरीर को छोड़ दिया। भाई के बदले शरीर को क्यों छोड़ा आपको बताता हूँ। क्योंकि एक रोज श्री गंगादास जी महाराज के पिताजी त्रिवेणी में आकर कहने लगे, अगर तूने अपने गुरु के सामने वादा किया था अगर मैं जन्म भूम अथोरा में ही रहूंगा, फिर यहाँ कैसे आ गया। तो सजनों, गंगादास जी ने अपने पिता से कहा कि मैं महीने में 2 बार अमावस और पूर्णिमा आपके दर्शनार्थ ग्राम अथोरा में आता रहूंगा। तो गंगादास जी महीने में 2 बार अपने गांव की परिक्रमा लगा कर आते थे। तो सजनों देखो क्या बताया। अरे बोल किया था अपने पिता से वो गंगादास पुकावे था। तीसरा निर्धारित ना ज्यादा
सुनो हाल, एक रोज देनी परिक्रमा चल पड़ा तत्काल। उस दिन छोटे भाई रे डूंगर सिंह का आया काल। सजनों, एक रोज छोटे भाई डूंगर सिंह का देहांत हो जाता है। उसी दिन गंगादास से महाराज परिक्रमा देने को गए थे तो सभी कुटुंबी जन रो रहे थे। इतनी देर में एक वृद्ध आदमी आकर कहने लगा कि रोनी पीटनी से डूंगर सिंह वापस नहीं आएगा। एक उपाय है, गंगादास जी महाराज के वचनों से डूंगर सिंह का जन्म हुआ था और आज गंगादास गांव की फेरी देने को आएगा, तो डूंगर सिंह की घरवाली को भेजो, वो गंगादास के चरण पकड़ ले तो जरूर कोई उपाय बनेगा। तो देखो क्या बात बनती है। अरे अबला नारी चाल पड़ी जरा ना करी थी देर, अरे अबला नारी चाल पड़ी जरा ना करी थी देर, गंगादास महात्मा के जाकर के पकड़ लिए पैर, हाथ जोड़ कहने लगी दुखियारी की सुनो तेरे। सजनों, वो महात्मा के पैरों में गिर जाती है तो गंगादास महात्मा जी क्या कहते हैं उसे, बढ़ो साय करे गिरधारी। अचंबे में पड़ गई बाई रोती हुई अबला नारी। सजनों, वो स्त्री कहने लगी, महाराज जी मेरा पति तो आज मर चुका है और आपकी जुबान भाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया, यह कैसे हो सकता है। महाराज श्री गंगादास जी थोड़ी देर ध्यान मगन हो जाते हैं और फिर बोले कि बेटी मेरा वचन झूठा नहीं होगा, एक काम करो, तेरे पति के शव के पास जाकर राम धुनि का जाप करो, जा तेरा पति 3 दिन के बाद अवश्य ही जीवित होगा। तो सजनों, ये कहकर गंगादास जी त्रिवेणी धाम आ जाते हैं और सजनों अपनी शिष्य से जानकी दास जी को कहने लगे कि मैं वचनबद्ध होकर आया हूँ, मेरे को मेरे भाई के बदले डूंगर सिंह के बदले प्राण त्यागने होंगे और अब इस गद्दी को तू संभालेगा। सजनों, 3 दिन बाद गंगादास जी महाराज अपने प्राण वायु को रोककर अपने शरीर को छोड़ देते हैं और उधर गांव में उसका भाई डूंगर सिंह जिंदा हो जाता है। तो देखो क्या बताया आगे। अरे गंगादास जी स्वर्ग चले और जानकी दास को छोड़ दिया। अरे किया भंडारा गुरुदेव का गद्दी पे चादर ओढ़ लिया। वो रामदास को मोड़ दिया। भजन दास जी आश्रम का सब काया कल्प मरोड़ दिया। महाराज एक दिन कथा सुनावन लाग्या।
नरसिंह महाराज उस गद्दी के उत्तराधिकारी बने, फिर उनके बाद में रामदास जी महाराज होते हैं, और रामदास जी के चले जाने के बाद श्री भजनदास जी महाराज इस गद्दी के पदभार को संभाला। श्री भजनदास जी महाराज संत तो थे ही, वे कथावाचक भी थे, वे गांव में जाकर कथा भागवत भी सुनाते थे। एक रोज भजनदास जी महाराज अपनी जन्मभूमि विराट नगर के पास बड़ेश्वर गांव में चले जाते हैं, और वहां पर देखो क्या होता है, तो क्या बताया, अरे पुजारी को छोड़ दिया नरसिंह की पूजा का काम है, पुजारी को छोड़ दिया नरसिंह की पूजा का काम है, त्रिवेणी से चाल पड़िया सुमर के हरि का नाम, धीरे धीरे जन्म भूमि पूछ गया बड़ेश्वर गांव में। और सजनों, जब अपनी जन्मभूमि में पहुंच जाते हैं तो ग्रामवासी संत की कैसे मेजबानी करते हैं, और क्या बात पड़ती है, अरे भाई ग्रामवासी आ गए संत की अगवानी में, सब ग्रामवासी आ गए संत की अगवानी में, आशीर्वाद देने लगे अपने मीठी वाणी में, दाल बाटी चूरमा था संत की मेजबानी में। कथा शुरू हो जाती है तो क्या बताए आगे, अरे कथा को आरंभ किया भागवत के ध्यान से, वो कथा को आरंभ किया भागवत के ध्यान से, रामचरितमानस सुना संत की जुबान से, सबका मोह दूर हुआ गीता जी के ज्ञान से, सजनों गांव की चौपाल के बीच कथा चल रही थी, तो एक छोटा बच्चा अपनी मात पिता से बिछुड़ कर और घुटनों के बल चलता चलता भजनदास जी महाराज की गोदी में आकर बैठ जाता है और रोने लग जाता है, और तो देखो क्या होता है, अरे रोने लग गया भगवाना जमी पे गया था लेटे, ओ रोने लग गया भगवाना भाई जमी पे गया था लेटे, घुटनों के बल चाल पड़िया मंच पे वो पूछा ठेठ, भजन दास महात्मा की गोदी में गया था बैठे, सजनों वो बच्चा भगवाना, उस बच्चे का नाम था भगवाना, जो आगे जाकर कैसे भगवान दास जी महाराज बनते हैं श्री नारायण दास के गुरु जी, तो क्या बताया, वो बच्चा भगवाना महात्मा के पास आकर रोता है, पीछे से उनके पिता जिनका नाम था शोजीराम और माता का नाम था शिंगारी,
सजनू भगवान दास जी के पिता का नाम था शोजी राम और माता जी का नाम था शिंगारी। जब शोजी राम महात्मा के पास आकर बच्चे को पकड़ता है तो महात्मा जी क्या कहते हैं, अरे भाग दौड़ शोजी राम पुत्र के लगाया हाथ। अरे भाग दौड़ शोजी राम पुत्र के लगाया हाथ। वजन दास कहने लगे पहले सुन ले मेरी बात, तेरा नहीं मेरा है ये ले जाऊंगा मेरे साथ। सजनों महात्मा जी कहती हैं अब ये बच्चा मेरा हो चुका है, इसको मेरे साथ फिर भी नहीं लेकर जाऊंगा। तो सजनू ये सुनकर सारी सभा में जय जयकार होती है और क्या बात बनती है बताया अंतिम लाइन में, अरे सारी सभा बोल उठी शोजी राम धन धन। ओ सारी सभा बोल उठी शोजी राम धन धन। शृंगारी माता का पूछे मलिन सा हुआ था मन, सात दिन बाद हुआ कथा का विसर्जन। तो सजनों उस भगवाना को उस बच्चे को लेकर भजनदास जी महाराज त्रिवेणी में आ जाते हैं और सजनों उसको अपना शिष्य बना लेते हैं। और सजनों श्री भजनदास जी महाराज के शरीर छोड़ने के बाद में वो भगवाना श्री भगवान दास जी महाराज के नाम से विख्यात हुए जो श्री नारायणदास जी महाराज के गुरुदेव हैं। सजनों श्री भगवान दास जी महाराज ने 17 साल की उम्र में छोटी सी उम्र में गद्दी के पदभार को संभाला था। और सजनों श्री भगवान दास जी महाराज के बाद में उनके शिष्य श्री नारायणदास जी महाराज ने 48 साल तक जनता की सेवा करी भलाई करी। और सजनों श्री नारायणदास जी महाराज ने जगह जगह स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनवाए, गांव गांव में रामधुनी हरि कीर्तन चालू करवाया और सजनों गाय माता की बहुत सेवा करी और गौशाला का भी निर्माण जगह जगह पर करवाया। और सजनों उसके बाद में आज इस गद्दी पर श्री राम ऋषपाल दास जी महाराज विराजमान हैं। वो श्री नारायण दास महाराज एक दिन कथा सुनावन लाया, श्री नारायण दास महाराज एक दिन कथा सुनावन लाया। की बात बतावन लाग्या श्री नारायण दास महाराज एक दिन कथा सुनावन लाग्या। बोले श्री नारायण दास महाराज की, बोले त्रिवेणी धाम की जय।